वैशाख मास के तृतीय तिथि के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का अवतरण हुआ था, इसलिए हर साल वैशाख मास की तृतीय तिथि यानी अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम जी को आवेश अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं में भगवान परशुराम जी की कई ऐसी कथाओं का वर्णन मिलता है जिससे मालूम होता है कि परशुराम जी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। साथ ही कथाओं से मालूम होता है कि परशुराम जी अमर है और सृष्टि के अंत तक वह धरती पर विराजमान रहेंगे। शनिवार को बैटमा नगर में ब्राह्मण समाज द्वारा 15वें वर्ष में भी ब्राह्मण समाज के आराध्य चिरंजीवी भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती को महाउत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें बैटमा नगर सहित क्षेत्र के सभी ब्राह्मण बंधु एकत्रित हुए, जहां उन्होंने भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया। जन्म उत्सव के अंतर्गत नगर में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन रखा गया। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सोसाइटी रोड स्थित मारुति मंदिर में पहुंची, जहां शोभा यात्रा का विश्राम हुआ, जहां भगवान परशुराम का पूजन एवं आरती का आयोजन रखा गया। साथ ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए और वरिष्ठ जनों का सम्मान भगवा दुपट्टा और श्रीफल इत्यादि से किया गया। शोभा यात्रा का नगर में कई स्थानों पर मंचों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। भले परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की। राष्ट्रनायक और योद्धा महान, राष्ट्रनायक और योद्धा महान, मनाया धर्म का। हार्दिक शुभकामनाएं। ब्राह्मण समाज बैठवा के दरबार में आज नगर में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव परशुराम, सभी को परशुराम जन्मोत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का दिन और हमारे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव खूब ही धूमधाम से आज हमने बेटमा नगर में शांतिपूर्ण तरीके से 15वें वर्ष में मनाया। सर्व ब्राह्मण समाज पूरे वर्ष धार्मिक आयोजनों के साथ भगवान परशुराम के जन्मोत्सव मनाते हैं, जिसमें नगर भ्रमण किया जाता है। सभी मुख्य मार्गों से यात्रा होकर निकलती है, जहां कई समाजों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। भगवान परशुराम हमारे आराध्य, हमारे इष्ट हैं, जो चिरंजीवी हैं और सप्त चिरंजीवियों में उनका पूजन होता है। उन्हीं ब्राह्मण गौरव को हम आज के दिन पूजते हैं और उनके जन्मोत्सव पर नगर में शोभा यात्रा और अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं।
ब्राह्मण समाज बेटमा ने भी इस आयोजन को इसी रूपरेखा में पूर्ण किया और अन्य कार्यक्रम भी मनाते आ रहे हैं। मैं पंडित जितेंद्र जोशी, ब्राह्मण समाज बेटमा, संयोजक। समाज के वरिष्ठ और सभी सहयोगियों ने भगवान परशुराम की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली और सभी का सहयोग रहा। भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज के आराध्य हैं और इसी शुभ अवसर पर सब एकत्रित हुए और आज ये शुभ प्रसंग हमने सब ने मिलजुल कर मनाया और भगवान की कृपा से सभी कार्य शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है और सभी के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। जय परशुराम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।